आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस में वोट डाले होंगे, इस बार कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डाला है, लेकिन सब किन इश्यूज पर वोट डाला? इश्यूज कोई भी नहीं, इश्यूज कोई भी नहीं है। बुजुर्गों के कुछ इश्यूज? कोई इश्यूज नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए, बेसिक चीज ये है, जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए, चलना चाहिए बस। मैम आपने, आप अंकल रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड है। आप मैम वोट डाल के आ रही हैं, कैसा फील कर रही हैं? गुड, गुड फील, अच्छा फील कर रहा है। आप इसके पहले भी कई बार वोट डाल चुकी हैं? आप भी अंकल के साथ हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें? डाल रहे हैं, डाल पा रहे हैं, पहले डालते नहीं थे, पहले पड़ जाता था। अच्छा, बिहार में मैं था, वहाँ पे कभी वोट नहीं डाल पाया। अच्छा, सर्विस करता था तो जाए, हाँ भैया हो गई, धन्यवाद, जा बाहर से चले जाते थे वापस। अच्छा, 10 बजे तक सब खत्म हो जाता था वहाँ पे बोकारो में। अच्छा, ये पर्चियों वाला सिस्टम जब रहा होगा? हाँ, पहले बोकारो स्टील में थे, वहाँ पे नेता लोग थे ना तीन, क्या नाम था उनका, शंकर दयाल सिंह, समरेश सिंह और क्या क्या। कौन सी सीट थी वो? बोकारो में, बिहार में। जिला कौन सा था? नहीं, बिहार का था वो। अच्छा, बोकारो स्टील। तो उस जमाने में तो मतलब पूरे ही 10 बजे तक कैप्चरिंग खत्म हो जाता था बिहार में। हाँ, लेकिन अब वोट डाल पा रहे हैं, सिस्टम पर वोट डाल पा रहे हैं, वही सेटिस्फेक्शन है। ये अंकल ईवीएम वाली व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, कह रहे पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी लेकिन अब वोट डाल पा रहे हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिस्टम में बनाया, इंतजाम भी बहुत अच्छा किया। ईवीएम पर बहुत सवाल भी उठता है, वो तो उठेगा ही, हर कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज पर उठता है, लेकिन ठीक है, यह है कि सही चलना चाहिए आगे, दे शुड कम ऑन द ग्राउंड। अभी हवा में चल रहे हैं सब लोग भाषण दे के, बेसिक चीज यही है, चाहे अब क्या बड़ी बात कह रहे हैं कि जमीन पे नहीं चेंज हो रहा कुछ भी। जी, कौन सी मीडिया? हम नवभारत टाइम्स के लिए काम करते हैं। अंकल ने एक बड़ी बात कही है कि दे शुड कम ऑन ग्राउंड, भाषण देना तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ चीजें जमीन पर आनी चाहिए, और वोट डालने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत जरूरी है।